जयपुर गलतागेट थानाधिकारी और टीम ने 11 दिनों की गहन तलाश के बाद दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड राज्यों में सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर एक दर्जन से ज्यादा गंदे नालों में खोज कर अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने महिला साथी के जरिए धनाढ्य लोगों को अपने जाल में फंसाकर वसूली की और मांग पूरी न होने पर हत्या कर दी। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर राशि डोगरा डूडी ने बताया कि दिनांक 28 मई 2024 को परिवादी पीयूष सांवरिया ने पुलिस थाना गलता गेट पर अपने पिताजी दिलीप सांवरिया के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। दिलीप सांवरिया 20 मई 2024 को फरीदाबाद जाने की बात कहकर घर से निकले थे और वापस नहीं आए। जांच के दौरान पता चला कि अंजलि सोनी नाम की महिला दिलीप सांवरिया के साथ शारीरिक संबंधों में थी और उसने अपने पति प्रदीप और अन्य गिरोह सदस्यों के साथ मिलकर दिलीप को दिल्ली बुलाया। वहां उनसे फिरौती की मांग की गई, जो पूरी नहीं होने पर दिलीप की हत्या कर दी गई और लाश को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने अंजलि सोनी, उसके पति प्रदीप और सह अभियोगी संतोष कुमार विजय को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। गिरोह की कार्य प्रणाली के बारे में बताते हुए पुलिस ने कहा कि ये लोग महिला साथी का उपयोग कर धनाढ्य लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और उनसे वसूली करते थे। फिरौती न मिलने पर हत्या कर दी जाती थी और फिर नए शिकार की तलाश में जुट जाते थे। इस मामले में पुलिस टीम ने कई राज्यों में जाकर आरोपियों को पकड़ने के लिए अथक प्रयास किए और अंततः कामयाबी हासिल कर ली।